तो हाय गाइस, मेरा नाम मीर मुल्क और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइस। तो स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाई साहब, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया वुमेन्स और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच में जो फर्स्ट 2020 खेला गया। क्या ही खेला गया यार। मतलब ये बारिश का क्या करें मुझे समझ नहीं आ रहा यार। जब हम अच्छी पोजिशन पे होते हैं, मैच विनिंग तो नहीं कहूँगा बट अच्छी पोजिशन पे होते हैं, स्ट्रांग पोजिशन पे होते तभी ये इस बारिश को बीच में आना होता है। ये तो हर बार का हो चुका है। आप टेस्ट मैच की बात कर लो और आज की बात कर लो, अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा। मैं सोच रहा था जैसे ही मैच खत्म होता था तभी मैं शूट करूं, पर मैंने सोचा जान दो यार कि अभी 4:30 भी बज गया और मुझे जो फुटबॉल का मैच था और आईपीएल का इसीलिए देखना था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, इसीलिए अब शूट कर रहा हूं। और अगर मैं मैच की बात करूं तो सिर्फ इंडिया की 15 ओवर हुए एंड इंडिया प्लेड वेरी वेल। अगर खासकर मैं नाम लूंगा जेमिमा रॉड्रिग्स का यार, क्या वो खेली है, क्या उन्होंने शॉट्स लगाए, खासकर उन्होंने थर्ड मैन पे जो शॉट लगाए, लेट कट खेले उन्होंने, कट मारे हैं, मतलब इट जस्ट अमेजिंग यार। उन्होंने जो पारी खेली है अपनी, एक मुझे याद आ रहा है कवर्स के ऊपर से मारा था, वो भी बहुत अच्छा शॉट था। तो ही प्लेड ही उन्होंने जैसे अपनी इनिंग बिल्ड की है ना यार, इट जस्ट अमेजिंग। ज़्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रही थी, 130-140 के स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, बट उन्होंने जिस सिचुएशन पे इंडिया थी उस सिचुएशन से लेके अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा खेला था यार। अगर मैं ओपनर की बात करूं तो ओपनर हमारे वही यार, 2-3 शॉट खेलने के बाद आउट हो गया यार। मतलब जरूरत नहीं थी यार, रन आ रहे थे। मैं स्मृति मंदाना के लिए भी कहूंगा और फिर अपनी क्या कहते हैं शेफाली वर्मा के लिए भी वही कहूंगा यार कि जरूरत नहीं थी यार इन शॉटों की लिटरली। शेफाली वर्मा का मैंने विकेट देखा नहीं बिकॉज मैं थोड़ा उस चैनल चेंज कर लिया था मैंने, इसलिए उसका मैं विकेट देख नहीं पाया। बट स्मृति मंदाना उस शॉट की कोई जरूरत नहीं थी यार, उस ओवर में रन आ चुके थे पर फिर भी उनको क्यों उन्होंने रिस्क लिया मुझे पता नहीं। उनको तो मैंने ड्रीम इलेवन में अपना कैप्टन भी क्रिएट किया था, बट चलो ठीक है। पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने मुझे पॉइंट दिए। फिर अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूँ, एशले गार्डनर ने जो बॉलिंग की है, 2 विकेट, ऑफ स्पिनर है, ऑफ कोर्स लेफ्टी इंडिया के पास बहुत थे तो मैं उनको लेने भूल गया था यार, पर क्या पता, मतलब ही इज अ नाइस ऑलराउंडर यार। वो बैटिंग भी अच्छे करती है, बॉलिंग में तो आपने उनको देखा ही होगा यार। और उन्होंने टेस्ट में 50 भी मारा था, तो एशले गार्डनर इज मतलब अपकमिंग ऑलराउंडर बन रही है वो। और अगर मैं सोफिया मोलिनॉक्स की, उन्होंने एक लेफ्ट स्पिन बॉल डाली थी, वो भी उन्होंने अच्छा खेला था। फिर जो उनकी टायलर वेलमिनिक है, वो मतलब वही मैंने कमेंटर से सुना, ही इज द फास्टेस्ट वुमन बॉलर और वो दिख भी रहा था यार। उन्होंने जितना मैंने देखा हाई स्पीड उन्होंने 125 और 130 के बीच में हिट की थी। तो यार इट्स वेरी स्पीड इन वुमन यार, वुमन्स में इतनी स्पीड बहुत होती है यार। तो बस यार यही था कुछ यार इस मैच के बारे में। और हरमनप्रीत कौर, हाँ अगर मैं टीम्स की बात करूँ तो अपने हरमनप्रीत कौर वापस आ जाती है। मुझे लगा था किसी और, वो मुझे लगा था कि वो यास्तिका भाटिया या फिर जमैमा रॉड्रिग्स की इस पर आएंगी, पर वो दोनों टीम में खेलती है। वो आती है जो मैंने बोला था पूनम यादव या फिर क्या कहते हैं स्नेह राणा खेल सकती है, उनके प्लेस में आई वो। मतलब ठीक है यार, मतलब इट्स नॉट बैड। और एक जो प्लेयर जो मुझे लगा था नहीं खेल सकती पर वो खेली है, वो रेणुका सिंह, फास्ट बॉलर है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ट्राई कर रहा है, बिकॉज अरुंधति रेड्डी की जितनी मैंने बॉल देखी इंग्लैंड में, उन्होंने अच्छी बॉल डाली थी, अच्छी स्विंग कर रही थी बॉल को, तो क्या पता उनको क्यों नहीं लिया। मेघना सिंह भी अच्छी चॉइस थी, पर चलो ठीक है। और एक जो लेफ्ट हार्म स्पिनर में हमने राजश्री गायकवाड़ को चूज़ किया, मतलब ठीक है चलो, राधा यादव को भी आप चूज़ कर सकते थे बिकॉज ही इज अ 2020 स्पेशलिस्ट, बट राजश्री गायकवाड़ के साथ भी गए तो ठीक है बिकॉज उन्होंने टेस्ट में अच्छी खासी बॉलिंग की थी, मेरे ख्याल से वही वजह होगी, बाकी तो और कुछ वजह हो नहीं सकती। तो अपनी इंडिया की टीम की बात, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करूँ तो सेम टीम, मतलब जो मैंने टीम बोली थी सेम थी, जैसे मैं बोला था निकोला कैरी खेल सकती है, ताला वेलमिक खेल सकती है, सिर्फ एक ही उनका चेंग था हार्ले डार्लिंग तक खेल गई यार। वो उनको मुझे नहीं लग रहा था वो खेलेंगे, मुझे लगा था स्टेला कैम्बल खेल सकती है या फिर ड्रेस ब्राउन खेल सकती है, पर चलो ठीक है यार। और आई थिंक सो उनको बॉलिंग तो देखने नहीं मिली ऑफकोर्स यार, बिकॉज बॉलिंग उनको मिली नहीं। तो बस यार इतना ही रखता है आज के वीडियो के लिए। और हाँ, सेकेंड मैच के प्रीव्यू की अगर बात करूँ तो कुछ खास इतना बात करने लायक है नहीं यार, सॉरी मैंने आपको थंबनेल में डाला है वो, बिकॉज थोड़े व्यूज मिल जाएंगे यार इसलिए, और कुछ नहीं। और क्या ही बात करूँ यार, बिकॉज कोई बात करने लायक है नहीं। मुझे लगता नहीं कि कोई टीम चेंज होगी, पिच भी ये सेम ही है यार, और ऑफकोर्स यार अब पिच भी सेम है। और अगर मैं वेदर की बात करूँ तो अभी वेदर पता कि कुछ फ़ायदा नहीं यार, ये ऐसे ऐसे चेंज होता जाता है। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, 9 तारीख को हमारा अगला मैच है, अभी वीडियो 8 तारीख के सुबह देख रहे होंगे तो आप सुबह आप गूगल पे चेक कर लेना क्वींसलैंड जहाँ पे, मतलब क्वींसलैंड कहाँ पे आता है मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्वींसलैंड कहाँ पे, तो क्वींसलैंड वेदर रिपोर्ट डालना गूगल पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर मैं एक वेदर ऐप की लिंक मैं दे दूंगा या फिर वेदर वेबसाइट की लिंक दूंगा, वहाँ से आप वहाँ पे चेक कर लेना। वरना आपको इंस्टाग्राम अकाउंट तो बहुत सारे मैं देता ही हूँ ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, वहाँ पे आपको भी आपको समझ में आ जाएगा।
तो बस यार इतना रखते हैं आज के वीडियो के लिए। और हाँ मैं थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे मुंह में फिर से एक आध दो छाले आ गए तो बात करने नहीं हो रहा है, और सॉरी फॉर दिस यार। बट कुछ दिनों बाद एक खुशखबरी आएगी, देखते हैं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, बट अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अभी कुछ उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। तो बस यार इतना रखता है आज के वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।